खबर है यूपी के बाराबंकी जनपद से। सफदरगंज चौराहा स्थित जैतपुर पौधाशाला पहुंचे वन एवं पर्यावरण मंत्री ने वृक्षों के संरक्षण के संबंध में अधिकारियों को दिए आवश्यक निर्देश। आपको बता दें, दरअसल बाराबंकी के विधानसभा जैतपुर क्षेत्र अंतर्गत सफदरगंज चौराहा स्थित जैतपुर पौधाशाला में वन एवं पर्यावरण मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार पहुंचे, जहां पर उन्होंने सर्वप्रथम गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी ली। इसके बाद पौधाशाला में निरीक्षण कर पौधों से संबंधित जानकारी लिया। इसके पश्चात जिले के अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए वृक्षों के संरक्षण के बारे में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस दौरान उन्होंने कहा कि वृक्षारोपण से लेकर वृक्षों के तैयार होने तथा उनके पूर्ण रूप से देखभाल व संरक्षण करने के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। आप देखिए बाराबंकी जनपद से मनोज शुक्ला की ब्यूरो रिपोर्ट। इमारती लकड़ी मतलब जैसे पॉपुलर है और यूरिया डूरिया है, ऐसी महंगी भी है। ये कितने साल और हम इसके बाद अब की बार एक काम और कर रहे हैं, हमें एक पूरा वीक बना दिया। पेड़ को देखो जो लगाए वो जिंदा है या नहीं है। पेड़ के जैसे आपका फॉरेस्ट का वीक होता है ना, एक अक्टूबर से शुरू होता है सर बारिश का साल, एक साल पेड़ के नीचे ही है। तो ये इसमें हमने सर एक छोटी सी कवायद करी थी। हमने इसमें सर जितने भी